नई उम्मीदों के साथ नया साल 2024 का आगाज जल्द होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यह नया साल कई लोगों की किस्मत बदलेगा, कईयों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादी को लेकर चिंता जता रहे लड़के लड़कियों के लिए यह 2024 कैसा रहने वाला है, गोचर ग्रहों के अनुसार ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जो लोग नए साल में विवाह करने वाले हैं या वो देख रहे हैं रिश्ते, तो इनके लिए ऐसा ये नया साल कैसा रहने वाला है जो अविवाहित है? इसको इसमें तो अपनी स्वयं की पत्रिका में जो ग्रह होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबके अपनी अपनी पत्रिकाएं होती हैं, उसके आधार पर उसका तय होता है कि विवाह योग कब आए। लेकिन यदि हम ग्रहों की यदि गोचर के ग्रहों की स्थिति माने तो इस साल जिनके तुला राशि है, जिनकी कुंभ राशि है या जिनकी वृषभ राशि है या जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके विवाह होने की संभावनाएं अधिक हैं। प्रायः सरलता से उनके विवाह हो जाना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन यदि जिनके विवाह में विलंब या आ रहा है तो उनको शिव आराधना करना अभी बहुत विशेष लाभप्रद होगा, क्योंकि जो बृहस्पति और शनि की जो स्थिति है उसको देखते हुए यदि वो शिव आराधना करेंगे, चाहे वो लड़कियों यदि कोई कन्या अविवाहित है और वो विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रही है, तो शिव गौरी का पूजन करने से उनको बहुत निश्चित रूप से लाभ होगा। और यदि कोई लड़का है उसको अच्छी योग्य लड़की की तलाश है, जो हम सफर चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, तो वो भगवान शंकर की उपासना के साथ ही हनुमान जी की उपासना करें तो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होगा। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।